ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखिए, दिल्ली के अंदर सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसको लेकर के सरकार अपनी कार्ययोजना आगे बढ़ा रही है। ये जो प्रदूषण होता है सर्दियों में, उसमें तीन मेजर फैक्टर हैं। एक है डस्ट का पॉल्यूशन यानी धूल प्रदूषण, दूसरा है व्हीकल पॉल्यूशन गाड़ियों का प्रदूषण, और तीसरा है बायोमास बर्निंग जो अलग अलग जगह से आग और धुआं आता है। इनको फोकस करते हुए आज हमने दिल्ली के अंदर जो भी धूल प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए जो सरकार ने कार्ययोजना बनाई है उसको हमने आज दिल्ली की जनता के सामने रखा है। इस धूल प्रदूषण को कम करने के लिए 14 सूत्री गाइडलाइन बनाई गई है, जिसमें मुख्य तौर पर जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चारों तरफ ऊंची टीन की दीवार लगाना, ग्रीन नेट का उपयोग करना, एंटी स्मॉग गन का वहां पे स्टेब्लिश करना, उसके साथ साथ जो गाड़ियां आती जाती हैं उनकी धुलाई करना, इस तरह के जहां पे डस्ट है पानी का छिड़काव करना, मालवे को ढक के रखना, इस तरह के 14 सूत्री जो गाइडलाइन है आज हमने जारी किया है। दिल्ली के लोगों से, सभी प्राइवेट कंपनियों से, सरकारी एजेंसियों से हमारा निवेदन है कि 7 तारीख से पहले अगर कहीं भी आपके साइट पे इसका वायलेशन है तो आप इसको पूरा कर लें, नहीं तो 7 तारीख 7 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर चलाया जाएगा। और इस कैंपेन के तहत 13 विभागों की 523 टीमों का गठन किया गया है जो 7 अक्टूबर से फील्ड में जाएंगी और जो वायलेट करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सर, पंजाब में आपकी सरकार है, सर, पराली से होने वाले जो पॉल्यूशन है उसको लेकर के क्या प्लान्स हैं आपके पास दिल्ली में? दिल्ली में पंजाब का प्लान नहीं बन सकता, दिल्ली का प्लान दिल्ली के लिए बना है। तो दिल्ली के अंदर जो पराली पैदा होती है उसके लिए बायो डीकम्पोजर का छिड़काव हम कर रहे हैं। पंजाब की सरकार पंजाब में पराली को कम करने के लिए अपनी कार्ययोजना बना रही है। पिछले 2 सालों में काफी सकारात्मक परिणाम वहां पर आए, 50% से ज्यादा पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार भी पंजाब उसे और कम करेगा। लेकिन बात केवल पंजाब की नहीं है, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी जगहों पर इसके लिए और सक्रियता से काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार को इसमें सक्रिय रूप से एक्टिव होने की जरूरत है जिससे कि सब मिलकर के इस प्रदूषण को कम करने में सफल हो सके। आपने कहा कि आपने लेटर भी लिखा है लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया सेंट्रल गवर्नमेंट से मीटिंग को लेकर, कैसे पॉल्यूशन कम हो जाएगा? देखिए, हर बार सर्दियों के प्रदूषण से पहले केंद्र सरकार पर्यावरण मंत्रियों की, कृषि मंत्रियों की ज्वाइंट बैठक करती थी, इस बार अभी तक नहीं बुलाई गई है। तो हमारा निवेदन है कि जल्दी जो मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग होती है उनको बुलाया जाए जिससे कि किस राज्य में क्या तैयारियां चल रही हैं उनसे सभी लोग अवगत हो सकें और उसको और बेहतर बनाया जा सके।